मनीष कश्यप अगर रवीश कुमार से कुछ सीख लिए होते तो आज वो जेल में नहीं होते। उनको समझना चाहिए था कि सवाल सिर्फ बीजेपी से पूछेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन वो 4-5 सालों से जबरदस्त सवाल पूछ रहे थे। जगह जगह कहीं हॉस्पिटल में कहीं भी जाके सवाल पूछते थे, कुछ नहीं होता था। जैसे सरकार बदली उन्होंने सवाल पूछा, जेल में चले गए। यहाँ पर रवीश कुमार से सीखने वाली ये बात है कि रवीश कुमार जी कितना सवाल पूछते हैं लेकिन जेल नहीं जाते हैं, क्योंकि वो सवाल सिर्फ बीजेपी से पूछते हैं। बाकी सरकारों से उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वो सवाल पूछें, क्योंकि वो जानते हैं कि बाकी सरकारों से अगर वो सवाल पूछेंगे तो उनकी भी हालत मनीष कश्यप जैसी हो जाएगी।